तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सैलरी और आपकी एज के अनुसार आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप फर्ज करिए 6 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के अपने 20s में, तो वो नेचुरली बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग स्टाइल अगर आप वही 6 लाख रुपए कमा रहे होंगे लेकिन अपने 40s में होंगे, जब परिवार है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो योर इन्वेस्टिंग स्टाइल हैज टू बी डिफरेंट। तो उसमें कैसे कैसी चॉइसेस ली जाए, तो हम 3 कैटेगरीज इमेजिन करेंगे, 20s, 30s और 40s, क्योंकि वो ब्रॉड लेवल है। ऑफ कोर्स जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिएगा, ये नहीं कि वीडियो देखा तो वही चेप दिया। एंड देन 3 इनकम कैटेगरीज, आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है, 6 से 12 लाख के बीच में या 12 लाख से ऊपर है। अब वो 12 है, 15 है, 1 करोड़ है, उसके चलते भी बहुत अंतर आएगा, लेकिन मोटा मोटा ज्यादातर भारत एक छोटे से टाइट रेंज में ही है, बहुत कम लोग हैं जो बहुत बेइंतहा अमीर हैं। सो आई फील दिस विल कवर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिलो 6 लाख, 6 to 12 लाख, 12+ लाख पर एनम, ये हमारी 3 कैटेगरी हो गई। एंड हम इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक हेडलाइन, 20s, 30s और आपके 40s, ठीक है? तो 3 अलग-अलग रंग है, पता नहीं कैसे रंग है, पर रंग है। तो इन डेकेड्स के इन पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे कि हेडलाइन क्या है, तो मोटा मोटा आपको क्या समझने या जानने की जरूरत है। आपकी वॉन्ट्स या इच्छाओं की जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। हम ये अज्यूम करेंगे कि 50% तो आपकी जरूरतों की तरफ जा ही रहा है, तो वो रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपके खाने का खर्चा हो गया, वो सब आपको 50% में मैनेज करना ही है। लेकिन जो बाकी का 50% है, उसमें कितना आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं, फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, या कितना आप उसमें से इन्वेस्ट कर सकते या करना चाहिए, दैट विल बी देन डिस्कस्ड। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो वो खर्चा जो आपको महीने चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, एंड यू हैव पार्क्ड दैट मनी कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी इनकम पे कोई रोक आ जाए तो वो पैसा मुझे इमरजेंसी के दौरान चाहिए हो। हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे देखा जाए, आपकी, आपके परिवार की, माँ बाप की। लाइफ इंश्योरेंस को कैसे देखा जाए, खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए तो आपके परिवार का जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है उसको कैसे मेजर करेंगे। आप फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स ज्यादातर क्या होते हैं, एफडी हो गई तो एफडी में पैसा डाला हुआ है, या आपने डेट के म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, या आपने नेशनल सेटिंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, या आपने प्रोविडेंट फंड में डाला हुआ है, चाहे वो पीपीएफ है या ईपीएफ है, तो कितना परसेंटेज आपका उसमें जाना चाहिए। वेरिएबल रिटर्न एसेट्स ये क्या होती है, ज्यादातर इक्विटीज, तो हम इक्विटीज की बात करेंगे कि इक्विटीज में कितना जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर हम म्यूचुअल फंड से ही बात करेंगे, हम डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं उठाएंगे, तो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए कि नहीं, कोई और अगर एसेट क्लास है तो उसके बारे में बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड की तरफ क्या नजरिया होना चाहिए, एंड लोन्स इन जनरल, पर्सनल लोन हो गए, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, उसकी तरफ कैसे देखना चाहिए। तो ये मोटा मोटा हम कवर करेंगे फॉर ईच डेकेड, 20s, 30s एंड 40s, फॉर ईच इनकम कैटेगरी बिलो 6 लाख, 6 to 12 एंड 12+। आइए शुरू करें। सबसे पहला, आप 20s में है, 6 लाख से कम कमा रहे हैं। हेडलाइन इसकी सिंपल है, आपके पास वक्त है, आप रिस्क ले सकते हैं, आपको फोकस करनी है अपनी अपस्किलिंग पे ताकि आपकी इनकम बढ़ पाए, एंड आपको क्योंकि आपके पास वक्त है साइड इनकम स्ट्रीम्स के तरफ भी फोकस करना चाहिए ताकि मोटा मोटा ये जो 6 लाख की इनकम है इसको आप बढ़ा पाए। आप इस 6 लाख में से कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे कि बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, ऑफकोर्स शुरुआत तो हमेशा करनी है और करनी भी चाहिए, लेकिन उतना ही फोकस अपने इनकम ग्रोथ पे भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं को 20% पे रोक देंगे, बाकी का 30% जो है वो हमें इन्वेस्ट करना ही है, और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी देखते हैं। इमरजेंसी फंड हमारा कायदे से कम 6 महीने होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएंगे ही बनाएंगे, मतलब आपके महीने का जो भी जरूरतों का खर्चा है उसका 3 गुना आपके पास हमेशा किसी भी वक्त पे होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए लेंगे, अभी माँ बाप पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी भी नहीं खरीद पाएंगे, खुद की इंश्योरेंस लेंगे ताकि अगर हमें कुछ हो जाए तो कम से कम उसमें हमारा खर्चा ना हो। लाइफ इंश्योरेंस वैसे तो काफी जल्दी खरीदना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हमारी सैलरी कम है तो हमें बहुत बढ़िया कवर भी नहीं मिलेगा, तो लाइफ इंश्योरेंस हम या तो अपने 30s में खरीदेंगे या जब हमारी सैलरी अपने 20s में ही 12 लाख से ऊपर हो जाएगी तब कंसिडर करेंगे।
फिक्स्ड रिटर्न हम 10% करेंगे, क्योंकि हम अभी भी जवान हैं, बहुत वक्त है हमारे पास, हम रिस्क ले सकते हैं। पैसा हाँ थोड़ा कम है, लेकिन उस पैसे को जल्दी से हमें खुद के लिए बढ़ाना भी है, सो दैट वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर। तो मेरी राय ये रहेगी कि हम 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में डालें, चाहे वो FD हो, PF हो, डेट म्यूचुअल फंड हो, फलाना था। 90% जो होगा वो हम इक्विटीज में डालेंगे। इसका स्प्लिट भी एक यूनिक स्प्लिट होगा। 40% हम डालेंगे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में, विच इज अ स्टेबल म्यूचुअल फंड, स्टेबल इन द सेंस कि इक्विटीज के कंपैरिजन में स्टेबल है। दिस इन्वेस्ट इन द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। 30% हम डालेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स में। ये कौन से हैं? जो मिड साइज कंपनीज होती हैं उनका एक इंडेक्स होता है यूजुअली ऑफ 100 कंपनीज, एंड बाकी का 30% हम डालेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, जो कि यूजुअली टॉप 250 स्मॉल साइज कंपनीज होंगी इंडिया में, उनमें इन्वेस्ट करेगा। दीज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो कॉस्ट। SIP करना है, कोई और आपका पैसा मैनेज कर रहा होगा जो SIP के रूप में हर महीने आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लेगा, विच इज व्हाट आई सेड विल बी द कॉस्ट, लेकिन ये यूजुअली बहुत मिनिमम होता है, एंड रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना है ताकि ओवर योर 20s एंड योर 30s एंड योर 40s दिस मनी कंपाउंड्स। हमारे पास अभी हैसियत नहीं है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो नो, रियल एस्टेट में करें नो, किसी और एसेट क्लास में करें नो, क्रेडिट कार्ड लें नहीं, कोई और लोन ले हरगिज नहीं, कोई पर्सनल लोन नहीं लेना, कोई गाड़ी का लोन नहीं लेना, कोई एजुकेशन लोन नहीं लेना, कोई घर का लोन नहीं लेना है अपने 20s में बिलो 6 लाख। दिस शुड बी दी वे यू शुड कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट्स। ये मेरी पर्सनल राय है। अब फर्ज करिए कि आप अपने 20s में ही हैं लेकिन 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अब सडनली थोड़ा पैसा भी आ गया है, रिस्क लेने का एपिटाइट अभी भी उतना ही है क्योंकि अपने 20s में है, तो हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं एंड एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या होगा। हेडलाइन, आपके पास वक्त है तो आप रिस्क ले सकते हैं। आपको रेगुलरली वाइजली इन्वेस्ट करना है, ग्रीडी नहीं होना है कि यार पैसे आ गए हैं, उस पैसे को ना रातों रात बना के रिटायर कर जाते हैं फायर एट 30 ना, एंड अपनी इच्छाओं को अभी भी चेक में रखना है। ये पागलपन नहीं है क्योंकि 6 से 12 लाख रुपए आ चुके हैं। सो मेरी राय रहेगी कि अपनी इच्छाओं को आप 25% तक रखें, 25% इन्वेस्ट करते रहें क्योंकि वो अच्छा रहेगा। इमरजेंसी फंड अब कम से कम 6 महीने का होना चाहिए क्योंकि पैसा भी आ गया है एंड खर्चे भी होपफुली थोड़े ज्यादा हो रहे होंगे, तो हमें 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना है। आप अब हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए तो लेंगे, माँ बाप के लिए सेपरेटली लेंगे, क्योंकि माँ बाप जैसे ही 60 हिट करेंगे तो उनका प्रीमियम एकदम स्पाइक कर जाएगा, एंड अगर आप उनके साथ जुड़े होंगे तो आपका प्रीमियम भी अननेसेसरली बड़ा हो जाएगा, वो गलती नहीं करनी है। तो खुद के लिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, विच इज 20s में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो चुकी है तो खुद के लिए, परिवार के लिए अलग इंश्योरेंस, माँ बाप के लिए अलग इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, 20s में है कोई फर्क नहीं पड़ता, 20x ऑफ योर सैलरी आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, एंड आपको एक फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए जिससे आप इस कवर को टॉप अप कर सकते हैं। तो व्हेन योर सैलरी इंक्रीजेस आप इसको 20x से 25x करें, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। हम फिक्स्ड रिटर्न में सिर्फ 5% इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें हम बेयरली इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड हो गया या FD हो गया या PF हो गया, जितना आपका सैलरी से कट रहा है उतना ही काफी है मेरे हिसाब से, और ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बट देन इट इज योर कॉल। मेरी राय रहेगी कि कम से कम ही इन्वेस्ट करिए क्योंकि आप अपने 20s में रिस्क ले सकते हैं। 90% हम इक्विटीज में करेंगे लेकिन इसका मिक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 30% हम करेंगे निफ्टी 50 में जो कि थोड़ा स्टेबल है, लेकिन हम 30% करेंगे क्योंकि हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हम थोड़ा ज्यादा करके 40% मिड कैप में डालेंगे एंड 30% स्मॉल कैप में डाल के रखेंगे। हम जो बाकी का 5% रह गया है उसमें चूज कर सकते हैं, हम गोल्ड ले सकते हैं, विच शुड बी ओनली डिजिटल गोल्ड। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वांटम ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, तो आप REITs या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें 5% डाल सकते हैं, या अगर आपको क्रिप्टो समझ में आता है एंड लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं तो आप 5% क्रिप्टो में भी डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए आई वुड सजेस्ट एक FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये वो क्रेडिट कार्ड होते हैं जो FD की गारंटी पे आपको मिलते हैं, तो आपको कोई क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं चाहिए, एंड द रीजन आई एम रेकमेंडिंग इज क्योंकि अभी आपकी इनकम ऐसी है कि आगे जाके शायद आपको एक होम लोन लेना हो या गाड़ी का लोन लेना हो या कुछ भी और, सो योर क्रेडिट स्कोर विल बिकम अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड अगर है और उसकी रेगुलरली आप पेमेंट कर रहे हैं तो योर क्रेडिट स्कोर स्टार्ट्स गेटिंग बेटर एंड बिल्डिंग इन द फर्स्ट प्लेस, तो एक FD बैक क्रेडिट कार्ड बनता है।
लोन अगर लेना है तो मेरी राय रहेगी कि सिर्फ एजुकेशन के लिए लीजिए या गाड़ी बाइक के लिए लीजिए और कोई लोन नहीं। प्लीज घर मत खरीदिएगा 20s में, वो भी 6 से 12 लाख की इनकम के साथ। पर्सनल लोन तो हरगिज नहीं लेना है किसी भी इच्छा के लिए जो आपको पूरी करनी है। इट शुड बी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। अब आते हैं कि आप अपने 20s में 12 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं, वाह पैसा ही पैसा, इसके चलते बहुत अलग सा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनेगा। हेडलाइन, आपके पास वक्त भी है पैसा भी है, बहुत बढ़िया। तो हम अच्छे से रिगरसली इन्वेस्ट करेंगे लेकिन जिंदगी भी अच्छे से जिएंगे, ये नहीं कि चिंदियों की तरह ऐसे बचा बचा के। सो आपकी इच्छाओं का जो है वो 30%, तो उस 30% के अंदर अच्छे से जिए। फोन लेना है तो फोन लीजिए, अगर वो 30% में फोन नहीं मिलता है क्योंकि लाखों के फोन खरीद रहे हैं आप, तो 2-3 महीने सेव करके फिर ले लीजिए, लेकिन 30% के अंदर अंदर ही आपकी इच्छाएं रहनी चाहिए। आपको 12 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड बनाना है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है एंड एक साल का इस स्केल पे जरूरत है फॉर एन इमरजेंसी फंड। आप अपने लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, माँ बाप के लिए भी लेंगे एंड माँ बाप के लिए लेकर उसके ऊपर एक टॉपअप भी लेंगे। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस में आप जितना खर्च कर सकते हैं कम ही रहेगा, तो एक टॉपअप प्लान बहुत बढ़िया रहेगा एंड यू हैव द मनी टू अफोर्ड दैट एज वेल। लाइफ इंश्योरेंस, अब हम 25x ऑफ सैलरी लेंगे बिकॉज दैट्स यूजुअली द मैक्सिमम दैट इज अलाउड एंड उसके चलते अगर आपके पास टॉपअप करने की फैसिलिटी भी बने तो प्लीज वो भी ले लीजिएगा बिकॉज दैट विल गिव यू इवन बेटर। फिक्स रिटर्न में मैं अभी भी 5% ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इक्विटी में 90% का जो मिक्स है उसको थोड़ा और बदलेंगे। तो निफ्टी 50 में कम 25%, 40% मिड कैप ही रखेंगे एंड 35% स्मॉल कैप बढ़ा देंगे, सो दैट यू गेट अ स्लाइटली बेटर रिटर्न। स्मॉल कैप का यूजली बेटर रिटर्न होता है, मिड कैप का स्टेबल एंड निफ्टी 50 का लोएस्ट बट स्टिल रियली गुड रिटर्न, 12-14% के करीब। सो यू विल गेट अ नाइस हैप्पी मिक्स। बाकी के जो 5% बचे वो या तो आप गोल्ड खरीद लीजिए, REIT, अगर क्रिप्टो समझ में आता है तो वो ले लीजिए। आप FD बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, पूरे महीने का पेमेंट एक ही बार में करना है, कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं करना है एंड अगर लोन लेना हो तो फिर वही सिर्फ एजुकेशन या कार का लोन, घर 20s में नहीं खरीदना है। अब आते हैं बिलो 6 लाख एंड 30s। अब ये थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी हो गया राइट, क्योंकि आप अपने 30s में पहुंच चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, शायद आपने शादी कर ली है, शायद बच्चे भी हो गए हैं, सैलरी इतनी है नहीं, अब इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे सोचें, जरूरतों के बारे में कैसे सोचें। सो इसमें एक अलग अप्रोच। हेडलाइन क्या है? सबसे पहले वक्त थोड़ा कम हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, दैट्स अ फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। प्रोटेक्शन अपना बहुत ज्यादा जरूरी हो, सो इट्स नॉट सो मच कि आप अपने पैसे को कितनी जल्दी बड़ा करें, इट इज मोर अबाउट कि आप खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी इवेंट हो गया या कोई ऐसी कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से पूरी सेविंग्स ही उड़ जाएं, उसको प्रिवेंट करना है। एंड देन फोकस ऑन इनकम ग्रोथ, क्योंकि यही एक तरीका है इससे बाहर निकलने का जिस चक्रव्यूह में आप फंस गए। तो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले अपनी इच्छाओं का जो शेयर है वो आपको 15% पे रोकना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस माय फ्रेंड। अब ये रियलिटी होगी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि परिवार शायद चाहेगा कि ये खरीदें वो खरीदें, ये करें वो करें, लेकिन एज अ वाइज पर्सन यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि इनकम इतनी ही है तो हमारी इच्छाएं भी इतनी ही हो सकती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी प्रोटेक्शन और अपने फ्यूचर पे डाल। इमरजेंसी फंड 6 महीने का मुश्किल होगा लेकिन बनाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि इस सैलरी पे एंड इस एज पे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना तो 3 महीने काफी नहीं, 6 महीने तक आपको डेफिनेटली अपने महीने के खर्चे कवर करने होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए लेंगे लेकिन क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनके लिए भी लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप इट, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगेन उनको कुछ हो गया देन योर इंटायर सेविंग्स कैन गेट वाइप्ड आउट। लाइफ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी क्योंकि आप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, आपकी जिंदगी को अगर कुछ हो गया तो फैमिली बेचारी कहां की रहेगी। 15x ऑफ योर करंट सैलरी, जो लेट्स से अगर एवरेज 4-5 लाख भी लेके चलते हैं तो मोटा मोटा यू विल गेट अबाउट 60-80 लाख ऑफ कवर, विच शुड बी अ गुड अमाउंट फॉर योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन केस यू आर गॉन। तो 15x ऑफ योर एनुअल इनकम आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे। अब क्योंकि हमें प्रोटेक्शन के नजरिए से देखना होगा तो आपको ज्यादातर पैसा जो है ना वो सेफ एसेट्स में रखना पड़ेगा, मैंने से ज्यादातर मतलब ज्यादा एज कंपेयर टू योर 20s। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप 30%
अपना पैसा इन्वेस्ट करें इन फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स, वही आपकी एफडीज हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, सो ऑन, एंड 70% आप करेंगे इन इक्विटीज। उसका भी मिक्स बहुत अलग होगा। 70% हम निफ्टी 50 में करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है, भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं तो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती हैं, फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। 25% हम करेंगे मिड कैप में एंड 5% करेंगे हम स्मॉल कैप पे। कोई गोल्ड नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं, कोई और एसेट नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई लोन नहीं, नहीं पॉसिबल है, नहीं कर सकते। अब इसी 30s में अगर आप 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे होंगे तो थोड़ी सी सांस लेने की जगह आ चुकी है, एंड लेट्स सी हाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस। हेडलाइन, इट्स अ डिसेंट प्लेस टू बी। प्लीज ग्रीडी और इंपेशेंट मत होइएगा। ये ना एक बहुत ट्रिकी सा फेज होता है जहां आपके पास कम पैसा भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो आपको लगे यार रातों रात कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो स्कीम निकालनी पड़ेगी, एंड दैट इज यूजुअली अ बैड कॉल। अभी आपको साइड इनकम जितने बना सकते हैं सोर्सेस उस पर फोकस करना है, क्योंकि इनकम आई एम अज्यूमिंग धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी बिकॉज यू आर इन दैट फेवरेबल रेंज। अपनी इच्छाओं को आप 20% इंक्रीज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आप 9 महीने का होना चाहिए। आप खुद के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे ही, माँ बाप के लिए भी लेंगे एंड टॉप अप के साथ लेंगे। आपकी लाइफ इंश्योरेंस 20x ऑफ सैलरी होनी चाहिए। हम 25% फिक्स रिटर्न एसेट्स में करेंगे, बाकी का 75% इक्विटीज में। उसका मिक्स जो है वो मेरे हिसाब से 60% निफ्टी 50 में, 30% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में। अभी भी कोई रियल एस्टेट नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई और एसेट नहीं, क्रेडिट कार्ड आप एफडी बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि प्लीज अभी भी कोई लोन मत लीजिए। आई नो बहुत टेम्पटेशन होगी कि आप एक गाड़ी का लोन ले लें या एक घर का लोन ले लें, प्लीज मत लीजिएगा, क्यों अभी ना 30 years की उम्र में और 6 to 12 lakhs में इट विल बिकम रियली टाइट, एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, विच आई थिंक इफ यू कैन डिले इट फॉर 3-5 years विल हेल्प यू। अब आप अपने 30s में हैं एंड 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो थिंग्स चेंज अ लॉट देयर। हेडलाइन में इट्स अ गुड प्लेस टू बी। प्लीज वाइजली इन्वेस्ट करते रहिए, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए एंड अपनी साइड इनकम सोर्सेज पे फोकस करिए सो दैट दिस इनकम बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड आप अच्छे से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30% अब अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए क्योंकि हैसियत भी है एंड जरूरत भी है। हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, माँ बाप के लिए, टॉप अप के साथ। 25x या 25 गुना ऑफ योर एनुअल सैलरी आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए एंड यू विल गेट अ गुड कवर क्योंकि आपकी सैलरी भी अब काफी अच्छी है। 20% आपको फिक्स एसेट्स में डालना है। अभी भी 20% बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि 30s है तो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन की तरफ भी फोकस करना है, ये नहीं कि 20s जैसे जीना है। बाकी 75% लेकिन मिक्स थोड़ा बदलेंगे, 50% इन निफ्टी 50, 35% इन मिड कैप, 15% इन स्मॉल कैप, 5% आप रियल एस्टेट में, गोल्ड में डाल सकते हैं। क्रिप्टो मेरा सजेशन है मत करिएगा 30s में, थोड़ा क्रिप्टो बहुत ही रिस्की हो जाता है, थोड़ा क्रिप्टो बहुत रिस्की हो जाता है, क्रिप्टो बहुत ही रिस्की हो जाता है, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। एफडी बैक क्रेडिट कार्ड लीजिए एंड अगर आपको कोई लोन लेना है तो यू कैन कंसिडर अ होम लोन और अ कार लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आते हैं थोड़ी डेंजरस टेरिटरी में। आपकी तनख्वाह 6 लाख से कम हो एंड आप अपने 40s में पहुंच चुके, हेडलाइन, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी। एंड यहां ना लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते, जो गेट रिच क्विकली वाली स्कीम्स होती है ना उसकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं, क्योंकि यार जिंदगी तो मुश्किल होगी, 40 साल के हो चुके हैं, परिवार का बोझ, खुद का, माँ बाप का, 6 लाख रुपए ही कमा रहे हैं, तो लॉटरी की टिकट खरीद लो, गेमिंग साइट्स पे अपनी वक्त बिताओ, किसी के जंगल में फंस जाओ जहां कोई चिट फंड है या कुछ और है, या रातों रात सारे पैसे क्रिप्टो में डाल दो। ऑल ऑफ दीज आर हॉरिबल मिस्टेक्स टू मेक एंड बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इच्छाएं दोस्त रोकनी पड़ेंगी। 10% ऑफ योर सैलरी शुड गो इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड डिजायर। तो आप प्लीज वो फोन नहीं खरीद सकते, खरीद भी सकते हैं तो सेकेंड हैंड ही ले सकते हैं। आप बाहर खाने नहीं जा सकते, आप उतनी वेकेशन नहीं कर सकते जितना आप चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को दें, ये जिंदगी की असलियत बन चुकी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सो दैट यू गेट इनटू अ गुड स्पेस जहां आप ये करना शुरू कर सकते हैं एंड आप 6 से 12 लाख वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। इमरजेंसी फंड 9 महीने का बनाना पड़ेगा, उससे कम चलेगा ही नहीं। अगर 40s में आपकी इनकम रुक गई तो दोस्त बहुत बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, आपको नहीं चाहते हैं। 9 महीने का इमरजेंसी फंड मस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, माँ बाप के लिए लेना ही पड़ेगा अलग अलग।
लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन 10 गुना अपनी सैलरी का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है जहां अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली पे बहुत प्रेशर आएगा। तो कम से कम 10 गुना ऑफ योर सैलरी शुड गो टुवर्ड्स योर लाइफ इंश्योरेंस। आप 50% अपना इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स, क्योंकि पैसे को प्रोटेक्ट करना है, आप उसको एक्स्ट्रावेगेंटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने बताया, गेट रिच क्विकली वाली कोई भी स्कीम नहीं, एंड इक्विटीज में भी सिर्फ 50% ही एक्सपोजर हो सकता है, बाकी सब FD, PF, डेट म्यूचुअल फंड्स। 50% जो आपका म्यूचुअल फंड में जाएगा वो भी 80% निफ्टी 50 में जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिवली स्टेबल है। 20% मिड कैप में जाएगा, स्मॉल कैप में हम कोई पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि हम उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं ही नहीं। कोई गोल्ड नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं, कोई अदर एसेट नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई लोन नहीं। अगर आप 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपने 40s में हैं, चीजें थोड़ी धीरे धीरे सही हो रही हैं, तो इट्स अ स्लाइटली बेटर प्लेस टू बी। प्लीज अपनी साइड इनकम सोर्सेज जो भी हो सके एक्टिवेट करिए और प्लीज उन पे फोकस करिए। एंड अभी भी जितना दिल को दर्द हो, प्लीज घर मत खरीदिए, अभी भी रेंट पे रहिए। आपको लगेगा कि रेंट का खर्चा बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डाउन पेमेंट दे पाना, वो EMI के चंगुल में फंस जाना, वो इंटरेस्ट पे करते रहना, वो सब ना बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ना आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि आप वो 20-25 साल वाला लोन ले ही नहीं सकते, और बैंक आपको देगा नहीं, अगर देगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा। प्लीज अगर हो सके तो घर लेने की जो एक दिल्ली तमन्ना है ना, उसको रोकने की कोशिश करिए। आप अपनी इच्छाओं को 15% तक ही रोक के रखेंगे, इमरजेंसी फंड 9 महीने का बनाएंगे, पेरेंट्स के लिए एंड खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, आप लाइफ इंश्योरेंस आप 15 गुना अपनी सालाना इनकम की लेंगे, 40% अभी भी फिक्स्ड रिटर्न्स में ही जा रहा है, बाकी का 60% हम इक्विटीज में डालेंगे, उसका मिक्स थोड़ा सा चेंज होगा, तो 75% निफ्टी 50 में, 25% स्मॉल कैप मिड कैप में, स्मॉल कैप में हम अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मेरी राय रहेगी कि कोई सोना नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं, कोई और एसेट नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई और लोन। एंड फाइनली, अगर आप 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, अपने 40s में हैं, तो इट्स अ सेफ प्लेस टू बी। अभी भी आपको मैक्स प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करना है, एंड आपको अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स पे कंसिस्टेंट रहना है, सो दैट यू डोंट फॉल ऑफ ट्रैक। 25% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा इनकम है, लेट्स से 12 लाख से ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50 लाख रुपए, देन ऑफ कोर्स 30% भी चलता है, वो आपकी राय है जो आप चाहेंगे। 12 महीने का इमरजेंसी फंड किसी भी पॉइंट पे होना ही चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए टॉप अप वाला हेल्थ इंश्योरेंस, खुद के लिए और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। 20x ऑफ योर सैलरी, अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो प्लीज 25x लीजिएगा, बिकॉज दैट्स अ गुड प्लेस टू बी। 30% हम फिक्स रिटर्न एसेट्स में डालेंगे, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो, FDs हो या सो हो। 70% इक्विटीज में, जिसमें मिक्स रहेगा 70% निफ्टी 50 एंड 30% इन मिड कैप। कोई गोल्ड नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं, कोई और एसेट नहीं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, एक्चुअली आप FD बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। एंड इस पॉइंट पे अगर आपको कोई लोन लेना हो तो आप अपना घर खरीद सकते हैं ऑन अ लोन, बिकॉज यू हैव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये है पूरे का पूरा मैप। थिंक ऑफ योरसेल्फ मूविंग अक्रॉस दीज स्पेक्ट्रम्स। तो आप लेट्स से 20s में 6 लाख से कम में शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 6 से 12 में जाते हैं, जब तक वहां होते हैं आप तो अपने 30s में पहुंच चुके हैं, तो 30s के 6 से 12 में गिरते हैं, फिर उसमें शायद 12 प्लस में चले जाते हैं, फिर वहीं रहते हैं, एंड देन इन योर 40s वो 12 प्लस वाली ट्रेजेक्टरी शुरू करते हैं, या कोई और ट्रेजेक्टरी चल रही है जहां आप अपने 20s में 6 लाख से कम में ही रहे, 30s में घुस गए तो 6 लाख से कम में शुरू किया, फिर 6 से 12 में गए, फिर अपने 40s में आए, 6 से 12 से शुरू किया, फिर 12 प्लस में गए। एंड एवरी एज एंड सैलरी इंटरसेक्शन गिव्स यू हाउ शुड योर इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज, एंड दैट माई फ्रेंड इज द मैप दैट यू हैव टू थिंक अबाउट in life.